कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कोरोना मामले में पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताया था। उन्होंने पाकिस्तान की तैयारी की तुलना भारत से करके अपना मजाक बनाया था। कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया था। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना पर भारत की भूमिका की सराहना करके राहुल गांधी को जोरदार तमाचा लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। कश्मीर के मुद्दे पर भी कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कश्मीर पर पाकिस्तान ने कांग्रेस के सबूतों का इस्तेमाल यूएन तक में किया है। लेकिन अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना पर भी पाकिस्तान को भारत से बेहतर बताकर अपनी नीयत का खुलासा कर दिया। लेकिन राहुल गांधी की भारत विरोधी नीति का मजाक उद्योगपति बिल गेट्स ने भी उड़ाया है। दुनिया के जाने माने उद्योगपति और सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना से निपटने में भारत की भूमिका की जमकर तारीफ की है। बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की अनुसंधान और उत्पादन की क्षमता काफी महत्वपूर्ण है। बिल गेट्स ने पीएम मोदी के वीडियो भाषण वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बातें कही हैं। बिल गेट्स ने इसके साथ ही कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा भी किया। बिल गेट्स इससे पहले भी कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की भूमिका की तारीफ कर चुके हैं। गेट्स ने पहले कहा था, भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। दुनिया के तमाम विकासशील देश भारत से बनी वैक्सीन से लाभान्वित होने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सम्मेलन ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के योगदान की बात कही। उन्होंने कोरोना से जंग में भारत की भूमिका के बारे में बताया। इसके बाद बिल गेट्स ने भी भारत के वैज्ञानिकों की सराहना की। गेट्स ने भारत में दवाओं के उत्पादन और दुनिया को इससे होने वाले फायदे की बात कही। अब एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना से निपटने में भारत की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर में भारत सरकार की भूमिका की सराहना की जा रही है। बिल गेट्स ने कोरोना से निपटने में भारतीय अनुसंधान और दवाओं के उत्पादन की भूमिका को लेकर जो बातें कही हैं, उससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कुछ सीखना चाहिए। लेकिन राहुल ने शायद अपनी डिक्शनरी से ये शब्द ही गायब कर दिया है। यही कारण है कि कांग्रेस की लगातार हो रही हार के बावजूद राहुल गांधी कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। अगर उन्होंने सरकार पर निशाना साधने के लिए पाकिस्तान को जरिया बनाना नहीं छोड़ा, तो कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।